our English topic is grades should be abolished and Urdu topic is कि हम उसे पाकिस्तान में रहकर पाकिस्तान की खिदमत के लिए चाहिए या बाहर जाकर अपने मुस्तकबिल को बनाना चाहिए। However, grades provide simply a way to understand our progress compared to others. Grades also motivates us. Let's be honest. Most of us work hard because we know that our grades matter. They help us to push effort, it will help us to put in efforts and push ourselves to the best. जमात अहम की तालबा आज आपकी खिदमत में मुल्क के लिए कुछ अल्फाज पेश करना चाहूंगी। खुदा करे कि मेरी अर्ज़े पाक पर उतरे, खुदा करे कि मेरी अर्ज़े पाक पर उतरे, उफ़स्ते गर जैसे हमेशा इस ज़बान न हो। वो जो फूल खिले वो खिला रहे सदियों, वो जो फूल खिले वो खिला रहे सदियों, यहाँ खुदा को गुजरने के लिए मजाल ना हो। A topic I believe is necessary for fostering general learning and creativity. Imagine a world where learning is a joyful experience rather than a race against the clock. बैरून मुल्क जाकर मौके तलाश करें या अपने प्यारे वतन पाकिस्तान में रहकर उसकी तरक्की के लिए खुद को वक्फ करें। जैसा कि एक अजीम मूवी फिल्मी ने कहा है, जख्म वो जगह है जहाँ से आपके अंदर रोशनी दाखिल होती है। हमारे तनाजरे के मुताबिक पाकिस्तान में रहकर तरक्की करते हुए हमें जिन मुसीबतों का सामना करना होगा वो जख्म नहीं बल्कि तरक्की और तब्दीली के मौके हैं। पाकिस्तान सकाफत तारीख और कुदरती वसाइल से मालामाल सजीले हैं। Firstly, grades tells us how well we are doing in our studies. Without grades, it would be very difficult for the teachers and for the students to know how much they have learned. Because of their grades, even though grades depend directly upon the general performance of a student, this students with lower grades love a sense of discrimination. साथियों, आज के तुलबा कल के जिम्मेदार शहरी कहलाएंगे। इसके अलावा हर छोटे बड़े शहरी का फर्ज है कि वो अपने दिल में हुब्बुल वतनी का जज्बा रखे, मगर अब हमारी कौम में हुब्बुल वतनी